हम सोच रहे हैं कि हमरा एक ही बेटी है, ये भी इस घर से चली जाएगी। तेरी वजह से ना उन्होंने शादी नहीं की थी, अब तो कम से कम उनके बारे में कुछ सोच ले। जब तक मेरे घर में नई चाची नहीं ना आएगी, मेरा कुछ नहीं बन सकता। अब ये चाची कहाँ से आ गई? और नई चाची है, जीरो मीटर। वो खादिम हुसैन मिला था रास्ते में, वो कह रहा था कि बस जल्दी से जल्दी बस शादी करवा दो आप। सुनो 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 सुनो, जाने से पहले एक मेरी बात तो सुनती जाओ, मैं भूल जाऊंगा वरना। कौन सी बात यार? मैं बताऊं, मुझे तो लगता है कि जब तक मेरे घर में नई चाची नहीं ना आएगी, मेरा कुछ नहीं बन सकता। चाची? लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी चाची तो मर गई है, अब ये चाची कहाँ से आ गई? और नई चाची है, जीरो मीटर। हाँ? नई चाची? मतलब हशमत चाचा? अब तो समझी है। मगर वो है कौन? ओ, पता नहीं यार, एक मोहल्ले में हमारी रहती है, उसका नाम है नैला, हाथ धो के पड़ी हुई मेरे चाचा के पीछे। यही को होगी तुम्हारी फूफी जितनी। ये तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा ये बता के तुम्हारे हशमत चाचा भी दिलचस्पी ले रहे हैं उसमें? नहीं नहीं, उनको तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन वो मोहतरमा जो है ना, वो तो अपनी जान की बाजी लगा के उनके पीछे पड़ गई हैं। बड़ी खबर सुनाई है तुमने मुझे आज। हाँ हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ खुदा हाफिज। पप्पू! हे नहीं, कह दो ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो भाई पप्पू, वैसे ड्रामे देख देख के ना तुम भी उनकी तरह हरकतें करने लगी हो। चांदनी, मैं तुझसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मुझे। चांद ने मुझसे यही कहा है। वैसे मुझे लगता है ना तुम्हारा पता साफ हो जाएगा। मैं तो उस चुड़ैल की दिल से तबीयत साफ करूंगी, याद रखेगी सारी जिंदगी। हशमत सिर्फ गुलाबों का है, गुलाबों का। चांद ये भी बता रहा था कि वो खातून ना बड़ी तेज है, बड़ी तेज रफ्तारी से वो अपनी कार्रवाइयां कर रही है। अगर उसकी ये तेजी रही ना और तुम्हारी ये सुस्त रफ्तारी, तो मुझे लगता है कि मैदान वही जीत जाएगी। नहीं 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 चांदनी, तू ऐसा मत बोल, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और अगर हशमत चाचा खुद उसमें दिलचस्पी लें तो? उसकी तो ऐसी की तैसी, उस उल्लू के पट्टे आमिल के पास आज ही जाऊंगी मैं और कुछ और अमल करवाती हूँ, देख लेना। वैसे फूफो, तुम्हारा वो आमिल जो है ना बड़ा गया गुजरा है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ सिवाय उस मुर्गा डांस के। तो फिर ठीक है, मुझे ही कोई तेजी से काम करना पड़ेगा। करती हूँ मैं तेरा सफाया, तू भी क्या क्या करेगी। अल्लाह हशमत चाचा पे अपना करम करना। जा है चौधरी, और तू बाड़े के काम भी करता है और घर के काम भी करता है जो औरतों के करने के होते हैं, वो पहले ना सही, लेकिन अब तो एक छोड़ो, दो दो औरतें तुम्हारे सामने हैं, एक तो वो नायला और दूसरी गुलाबो, गुलाब की तरह महकती गुलाबो, और कैसी खनकती हुई हंसी है उसकी, आंखों में एक जादू सा है, चाल हेरनी जैसी ना सही, हेरनी की किसी रिश्तेदार जैसी तो जरूर है, मगर चौधरी कहीं उसका हंसना मुस्कुराना सब मेरा वतन तो नहीं? ऐसा ना हो चौधरी, तू अपने दिल की बात का इजहार करे और जवाब में बेइज्जती हो जाए। गुलाबों से बात करने से पहले चौधरी तुझे अपना काम मजबूत करना होगा, मगर तेरा ये काम मजबूत कैसे हो सकता? जलाली बाबा, मेरा काम जलाली बाबा ही मजबूत कर सकता,
वही संग दिल महबूब को मेरे कदमों में ला सकता। अब मगर कदमों में क्यों, वो महबूब है या पांव की जूती? नहीं नहीं, मेरा महबूब तो मेरे दिल में होगा। जलाली बाबा इसे मेरे दिल में बसा सकते हैं, अब बिल्कुल बसा सकते हैं। पीरो मुर्शिद बाबा जी, इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बेटा अंदर तो तू आ चुका है और काफी अंदर आ चुका है, अब क्या सनान खाने में जाएगा? यहाँ रख दे, तशरीफ अगर लेके आया है तो। अच्छा पीरो मुर्शिद बाबा जी, अपने मसले बयान करो। नहीं बाबा जी, मेरे मसले नहीं है। अच्छा मसले नहीं है तो यहाँ क्या आम लेने के लिए आया है, केले लेने के लिए आया है, मौसम्बी नाशपाती लेने के लिए आया है, क्या लेने के लिए आया, अंगूर लेने के लिए आया? बाबा जी आप ये काम भी करते हैं? मैं सारे काम करता हूँ, मेरे पास मौके ले हर किस्म का काम करता हूँ, हर किस्म का इलाज करता हूँ। बोल बच्चा। बाबा जी मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को मसले नहीं है बाबा जी, मेरा तो एक निकोसा इतना सा मसला है बस। बोल। बाबा जी वो ना बाबा जी हमारी नशरियात का वक्त खत्म हो गया, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। नहीं बाबा जी अल्लाह हाफिज नहीं। हाँ? नहीं मेरा। बोल बाबा जी, मुझे शर्म आती बाबा जी। समझ गया, ऐसे काम करते क्यों के बाद में शर्माना पड़े। ओ नहीं बाबा जी, ओ क्या बात कर रहे हैं बाबा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इतना बेहूदा काम तो नहीं है, हर बंदा ये करता। हो सकता है आपने 7-8 की हो, जैसा आपका हो लिया, मुझे लग रहा है कि आपने 7-8। नहीं मेरा मतलब बाबा जी वो ना कोई बेहूदगी वाला काम नहीं किया। नहीं 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 बाबा जी, कोई ऐसा बेहूदा काम भी नहीं है, बस ना वो मुझे तो तू खुद बेहूदा लगता है। खुदा का खौफ करे बाबा जी, क्या बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि उम्र के इस हिस्से में है तो वो ना इसलिए थोड़ी सी शर्म आती है। रिटायरमेंट लेने आया? नहीं। पेंशन लेने के लिए? नहीं। अभी तो क्या लेने के लिए आया है, बोल तो सही। बाबा जी मुझे लगता है कि आप पार्ट टाइम थिएटर में काम करते हैं। बाबा जी मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है ना, वो ना बाबा जी मुझे ना एक अदद बीवी चाहिए बाबा जी। है? एक अदद बीवी चाहिए? मुझे पता बाबा जी आपके खबे आके काम है, आपने बस एक ऐसा कुछ तवीज ताका करे बाबा जी के वो मेरे कदमों में आके गिरे ठा करके। अबे ये मेरा आस्ताना है, कोई शादी का दफ्तर नहीं है, यहाँ क्या औरतें देख ली है तूने? बाबा जी ऐसे ना करे, साड़ी वारी आई तो बुदूर हो प्या ना, आपको ये शादी करानी पड़ेगी, महबूब मेरे कदमों में छुटना ही पड़ेगा आपको बाबा जी। अच्छा समझ गया, तुझे लवेरिया का तवीज चाहिए। मतलब ये कि महबूब तेरे कदमों में। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तवीज ताका करे कि महबूब जो है ना मेरे इन दो कदमों में आकर ठा करके बजे। वो तो बजने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार बैठी। मसला ये है कि आगे से कोई मसले ना हो बस। अच्छा 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 ठीक है, चुपचाप पड़े बाबा जी, मुझे भी समझ आए क्या कर। चुप अपने महबूब का नाम बता। वो बाबा जी वो ना गुलाबो। जू गुलाबो? नहीं। अब बाबा जी आहिस्ता बोलो यार, क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो, क्यों मले में ख्वार करना है मुझे है? मेरा मतलब है गुलाबो ही नाम लिया है ना? जहां तक मेरा ख्याल है मैंने गुलाबो ही कहा है। ये गुलाबो वही है दिलदार की बहन? क्या बात है पीरो मुर्शिद, लभी बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, पूरे मोहल्ले की औरतों की खबर है बाबे को है? नहीं नहीं, पूरे मोहल्ले की औरतें जो हैं वो आती रहती हैं यहाँ दम दरूद करवाने के लिए। जाहिर सी बात है, औरतों ने
बाबे के पास नहीं आना तो और किसके पास आना है? आपसे दम करा के तो वो लोगों के नाक में दम करती हैं। मेरा ख्याल है तू औरत तो नहीं है जो सर पे कपड़ा बांध के आई है। अब बाबा जी पंजाब की शान है, ये कपड़ा क्या बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है काम की बात करें यार। कौन सा काम? ओ यार बाबा यार जबरदस्त मटके माफी अंडा माफी बिल्ली माफी माफी बाबा जी, मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं ये कह रहा था कि काम छोटा सा है, निका सा, के गुलाबों को मेरे दिल में बसाना है बस। ठीक है तेरा काम हो जाएगा बच्चा। अल्लाह खैर करेगा बाबा जी, बच्चा तो अल्लाह ने चाह तो शादी के बाद ही होगा। और ना बाबा ना, शादी से पहले ओ खुदा का खौफ का और ना और नहीं बाबा जी नहीं ना ना तो बाबा ओ और इस उम्र में ना क्या बाबा किस फास्ट आदमी से वास्ता पड़ गया। ओ भाई ओए मैंने बच्चा तुझे कहा है। मुझे बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया कि मैं आपको अब भी बच्चा ही लगता हूँ। हमारे पास 70 साल का बाबा भी आए तो हमारे लिए बच्चा ही होता है बच्चा। फिटे मुंह पुठी बात की है। नहीं मेरा मतलब था बाबा जी के मेरे लिए क्या हुक्म है। बाबा जी देता हूँ पैसे देता हूँ। ओए कागज निकाल रहा हूँ। अच्छा जी ये लो जी, इस पे जो लिखा है उसको गौर से पढ़ना और फिर उस पर अमल करना। हाँ सुटो मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, कैसा? मैंने कौन सा बीए किया है? ये बेवकूफ के बच्चे खुद नहीं पढ़ना आता तो किसी से पढ़वा जा, इस पे अमल कर। मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चौथे पी रहे हम देख रहे हैं आखिर क्यों? ये कौन आ गया था भाई, क्या मुसीबत है यार, चने भी खराब किए मेरे चखा से खा रहा था। ओए रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। ओ चांदनी ओ मेरी चांदनी ओ मेरी चांदनी। ओ मिस्टर टार्जन ऊपर क्या मौत के फरिश्तों को देख रहा है? क्यों डराने वाली बातें कर रही हो? मैं तो नजम सोच रहा था। यानी तुम भी पल दो पल के शायर बन गए। वेरी गुड। तो क्यों, जब चांद शायरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे भी तुम लोगों ने मुझे बताया है कि चांदनी को शायरी बहुत पसंद है। हाँ ये बात तो है, मगर शायरी है बड़ी मुश्किल। और हाँ इसके लिए ना उस्ताद की भी जरूरत होती है। उस्ताद? कौन सा उस्ताद? वो जो साइकिलों को पंचर लगाता है वो गुड्डू उस्ताद? हाँ तुझे तो सच में उस्ताद गुड्डू की जरूरत है ताकि तेरे दिमाग का पंचर लगा दे। तुम भी ना बिल्कुल भांबड़ हो। भांबड़? अरे शायरी के लिए किसी शायरी जानने वाले से मदद लेनी पड़ती है। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा है जो मुझे शायरी सिखा दे? हाँ ना है, पर उसको इस बात के लिए ना राजी करना बड़ा मुश्किल है। मगर वो है कौन? आए हाय हमारी अम्मा बेगम साबरा, तुझे पता है कई सालों से स्कूल में पढ़ाती रही है। वो मुझे शायरी सिखा देंगी? हाँ पर इसके लिए ना तुम्हें बात खुद ही करनी पड़ेगी। ओ, कोई खाली नहीं है या। ओ मैं खुद बात करूंगा, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी बात जरूर मानेंगी। अच्छा सुन, शायरी के लिए ना तखल्लुस की भी जरूरत होती है। तखल्लुस? वो कहाँ से मिलता है? तखल्लुस का नहीं पता मुझे। अरे भाई होता ये है कि शायर अपने नाम के साथ किसी का नाम मिला लेता है, जैसे दुखी दर्दमंद। हाँ मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मुझे ये मशवरा तो दो मैं अपना नाम क्या रखूँ। सुन नाम ना थोड़ा अलग सा होना चाहिए ताकि लोग सुने तो हैरान तो हो ना। हैरान क्यों? देख ना नाम मुनफरिद होगा तो लोग हैरान होंगे ना, फिर दाद भी देंगे। तो फिर क्या नाम रखूं मैं अपना? द
तुम ना ऐसा करो, अपना नाम बगलोल रख लो। बगलोल? ये बगलोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अकलमंद, समझदार। बहुत मैं पदाशी तौर पे हूँ समझदार और अकलमंद, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुन, तू अम्मा से बात कब करेगा मिस्टर बगलोल? बस मैं जाके अम्मा से बात कर रहा हूँ, मुझे पक्का यकीन है वो मुझे शायरी जरूर सिखा देंगी। अम्मा जी, अम्मा जी। मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चौथी पी रहे, हम देख रहे हैं आखिर क्यों। जवाब में खू करता है, अभी तेरा इलाज करता हूँ। बाबा जी, तुम इस जगह को अपने बाप का बेडरूम समझकर सो रहे हो, क्या बात है? हाँ बाबा जी, मैं इतनी देर से बैठे आपको देख रहा था, आपके ख्यालों में गुम कोई फिल्म देख रहे थे, मैं बैठे बैठे सो गया। बच्चा, हम फिल्म देखते नहीं, फिल्में दिखाते हैं। बाबा जी चले, फिर फिल्म के शो का टाइम हो गया। खबरदार, तुम बाबा को किस काम पे लगा रहे हो, लोग क्या सोचेंगे? हाँ बाबा जी, लोगों को सोचने की क्या जरूरत है, लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते। नहीं यार, फिर भी बड़ा मायूब लगता है कि बाबा खुद सिनेमा हॉल जाके फिल्म देख ले। हाँ बाबा जी, सिनेमा देखने के लिए सिनेमा जाना पड़ेगा, सिनेमा चल के काम तो नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं, वो कि तुम ऐसा करो कि तुम दो डीवीडी प्लेयर ले आओ और 50 फिल्में ले आओ, बस फिर देखो मैं कैसे शुरू करता हूँ चिल्ला। ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? और सही तो कह रहा हूँ मैं यार, तुम्हारे लिए ये काम कर रहा हूँ मैं, चिल्ला काटूंगा ना तो साथ साथ मैं फिल्में भी देख लूंगा मैं, और थोड़ा टाइम पास हो जाता है ना, वरना चिल्ला काटते हुए आदमी बड़ा बोर महसूस करता है। बाबा जी, एक दफा मेरा काम हो जाए ना तो मैं आपको 2-4 डीवीडी प्लेयर और 70-80 फिल्में ला दूंगा। ओए तेरे काम के लिए कह रहा हूँ, समझ नहीं रहा तू बात को। हाँ बाबा जी, आप भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ये पकड़े 5,000 रुपया, जब मेरा काम हो गया ना तो आजम पहलवान तुझे कुछ कर देगा। के मटके में बिल्ली अंडा दे रही, चो तेल पी रहे, देख रहे आखिर क्यों। पप्पा, ओ मेरी पप्पा मिल गई। पप्पा, अबे क्या हुआ है? अच्छा पप्पा, तू मुझे मिल गई, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। काम? और तुझे और मुझसे क्या, बोल। पप्पा तू पढ़ी लिखी है? तो ना पप्पा, वो ना मुझे ना शायरी सिखा दे। शायरी? और तू मेरा पुत्र, मेरी गाल सुन, ये शायरी पहलवानी ये बड़े मेहनत तलब काम होते हैं, तेरे बस का रोग नहीं है। तो पप्पा पहलवान तो मैं हूँ। बड़ा बड़ा पहलवान है तू, सिर्फ गल्लों का। पप्पा मुझे शायरी सिखा दे, उसको ना शायरी बहुत पसंद है। उसको किसको है? चांदनी को पप्पा। अरे लजी, चांदनी का तुझे बड़ा ख्याल है और पप्पा का कोई ख्याल नहीं है। पप्पा क्या, ये जिस जमीन के ऊपर तू मालिक बन के बैठा हुआ है ना, इसकी मालिक मैं हूँ। तेरे बाप से मैं जब भी बात करती हूँ ना तो इधर उधर की हाँ के कह देता है, लेकिन कोई गाल नहीं है, मैं भी तेरी फूफा हूँ, तू मुझे जानता नहीं है, मैं भी अपना हक ले के छोड़ूंगी। ओ सॉरी फूफो, ये तेरा और अब्बा का जाती मामला है। अच्छा अच्छा तू बोल। वो ना फूफो, मैंने ना ओ क्या? मैंने ना अपना शहरों वाला नाम भी रख लिया। अच्छा क्या नाम रखा है? शाकर बगलोल। अरे माँ सदके, पहली बारी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया तूने, बिल्कुल तुझे सूट भी करता है और जंचता भी है, बगलोल। हाँ तो फिर पुप्पो मुझे शायरी सिखाएंगी ना? हाँ क्यों नहीं सिखाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारा इस घर से जो रिश्ता जुड़ गया है ना, इस हिसाब से तुम हमारे बेटे के बराबर हो। तुझे कितनी दफा कहा है, ये तेरे बस का रोग ही नहीं है। आपकी बहन गुलाबों का चौधरी हशमत के साथ चक्कर चल रहा है। पुप्पो
को अपने बाप का बेडरूम समझकर सो रहे हो। वैसे मुझे लगता है ना तुम्हारा पता साफ हो जाए। वो मुझे शायरी सिखा दे, उसको ना शायरी बहुत पसंद है। उसको किसको है? चांदनी को पप्पो। अरे लजी फनकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमा।